का थाना बाजार खानगा डोगरा में मौजूद हूँ, जहाँ ताजरों का वापडा के खिलाफ एहतजाज जारी है। आपको बताता चलूं कि रात शाह सड़क की वजह से, वापडा की गफलत की वजह से ताजर सुहेल की दुकान जो जलकर खाकतार हो गई है। इस वक्त हमारे साथ ताजर सुहेल भी मौजूद है, आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आपने वापडा वालों को किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं दिया था जो रात शाह सड़क? अब तकरीबन 3 साल हो गए ने, 4 साल हो गए ने, असं वापडा बार बार जरा अतलावा दे रहे हैं कि साड़ी इस मार्केट के उत्ते तारा गुजर दी पी ने उन्होंने जल्दी तो जल्दी सही किया जाए या उन्होंने हटाया जाए। उन्होंने किसी चीज़ से गौर नहीं किया। उस तो बाद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी असं जरा मैं खबर पहला भी चलवाइया ने, नहीं किसी ने जरा मैं गौर किया। आखिरकार मेरा लखा करोड़ों रुपये का नुकसान है, नाल दुकान तुम वेख सकते हो, जो मैं कोई झूठ बोलना तो चेक कर सकते हो, माड़ा बंदा गरीब बंदा वा मैं जी। बिल्कुल, दिन न्यूज़ पर पहले भी ये खबर ब्रेक हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी आप वापडा की गफलत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो वापडा के अफसरान हैं इनकी ना अहली है बल्कि इनकी हट दर्मी है। इनको 2 से 3 दफा इतला भी दी है मगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम पुरजोर अपील करते हैं वापडा के खिलाफ कि ये जो हमारे SDO हैं, लाइन मैन हैं, इनको यहाँ से फारिग किया जाए, कोई अच्छे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यहाँ पे आए। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका जो नुकसान हुआ है इसका कुछ सोचा जाए, इसको इसके इवज में यहाँ पे ये दोबारा दुकान बिल्टअप की जाए। इसका जो है सारा फैमिली का सेटअप, सारा इसकी 10-12 साल की मेहनत आज रायगा हो गई है। इफ्तार आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे खानका डोगरा से। यकीनी तौर पर नाज़रीन, ये लटकती तारे किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है और ये हो सकता है कि कीमती जानों का जया हो जाए, लेकिन वहां पर जो वापडा हुकाम है किसी तौर भी कोई शफकत करने को राजी नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इन्हीं तारों की वजह से एक दुकान में आग लगी है, लाखों रुपए अमानत का सामान जलकर भी खाक सदर हो चुका है। और 1 माह कबल हमने आपको बताया भी था कि इन्हीं लटकती तारों से 2 अफराद जो हैं वो इन्हीं लटकती तारों के सबब खालिक हकीकी से भी जा मिले हैं। ये कुछ सूरत हाल थी नाज़रीन खानका डोगरा से। अब कुछ बात करें खेल के मैदान से, जहां पर कौमी टीम के